हालेलुया। क्यों हमें आत्मा से भरना, क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों फास्टिंग करना जरूरी है, हालेलुया, क्यों जरूरी है? जबकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। वो जगत मकान नहीं थे, गाड़ियां नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, प्रभु ने जगत से, जगत कौन था जानते हैं? आप और मैं। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्यों आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों के पास आए, और बाइबल में लिखा है उन्होंने उसके ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। क्यों फूका? क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये आत्मा से भरे रहे, आत्मा से परिपूर्ण रहे। आत्मा से भरना क्या है? हालेलुया। सपोज करो ये एक पानी का गिलास है, परमेश्वर कहता आत्मा से परिपूर्ण रहो। ये क्या है? ये भरा हुआ है, भरा हुआ है, इसमें और डलेगा, भी डल गया, इसमें और है, इसमें पानी डालिए, इसमें डालो डालो। अभी क्या हो गया? ये परिपूर्ण हो गया, ये परिपूर्ण हो गया और ये छलक रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से हम भरे हों। हालेलुया। अभी सोचो यहां से अभी डर आता है और डर बोलता है, देख रहा है डर, मैं जाऊं इसमें? इधर से पूछता है शक, तू गया था क्या? कहता नहीं नहीं, आत्मा से भरा हुआ है, पूरी फास्टिंग करता है, पूरी प्रार्थना करता है, रेगुलर चर्च जाता है, रोज अपना टाइथ भी बोता है, सब काम कर रहा है। बोलता है नहीं नहीं कोई जगह नहीं है। अभी शक पूछता है ओए व्यभिचार गया था क्या? वो देखता ओ नहीं नहीं पूरा फुल है। कहता सारा दिन फास्टिंग प्रेयर में रहता है, सारा दिन गवाही देता है, सुसमाचार करता है, ओ नहीं कोई जगह नहीं है इसमें। फिर इधर से चोरी आती है, चुगली आती है, बोलती है देखूं जरा? उधर नहीं नहीं पूरा भरा हुआ है, छलक रहा है बाहर, कोई चांस नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने की इसमें। हालेलुया। कोई जगह नहीं है जाने की। अभी क्या होगा? अभी घर में लड़ाई कलेश हुआ, थोड़ा सा खाली हो गया। अभी ये क्या हुआ? पूरा खाली हो गया। अभी क्या है? अभी क्या होगा? जब ये खाली होगा तो क्या होगा जानते हैं? अभी आएगा ओए, अभी व्यभिचार आ रहा, ओ खाली है चलो जाएंगे अंदर। अभी दूसरों को भी ओए तू भी आ जा, ओए चोरी तू भी आ जा, ओए निराशा तू भी आ जा, ओए तू बीमारी तू भी आ जा, खाली है, भर जाते हैं इसके अंदर। और व्यक्ति क्या होता है? वो निराशा में बढ़ता जाता है। 3 साल तक हमारा जीवन बहुत अच्छा चला मसीह में, लेकिन अभी क्या हो गया? अभी हमने प्रार्थना करनी, फास्टिंग सब कुछ छोड़ दिया हमने, और हम खाली हो गए। और अभी खाली में क्या होगा? शैतान इसमें आके बैठेगा। लेकिन इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हें भरने की जरूरत है, रोज आत्मा में परिपूर्ण होने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि शैतान का ताप तुम्हारे ऊपर ना चले। हालेलुया। उसने कहा आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में भरते जाओ, हमें भरने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आया, लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा, लोग आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार करने लगे। हालेलुया।